जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच ताऊ ते तूफान खतरनाक रूप लेते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की तरफ रुक कर गया है, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये तूफान वहां कितनी तबाही मचाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस तूफान ने अब तक तबाही मचाई है। इसका मंजर इस तस्वीरों में आप देखिए। सरकार अलर्ट, एनडीआरएफ तैयार, वायुसेना भी अलर्ट। अब तक ताऊ ते तूफान ने लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा में को पार कर महाराष्ट्र को छूते हुए गुजरात पहुंचेगा। देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि गुजरात पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तूफान गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है, क्योंकि गुजरात के तट से टकराते वक्त इसकी रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसका जो करंट जो लोकेशन है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा। एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एंड इसके चलते बिकॉज इट इज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है, ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। दरअसल शुरू में ताऊ ते की रफ्तार धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रफ्तार भी तेज होती गई। तूफान के शुरुआत में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो आगे चलकर 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। गोवा और महाराष्ट्र और तटीय इलाकों में इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही है, लेकिन 18 मई की दोपहर तक ये तूफान रौद्र रूप में आ जाएगा और गुजरात के तट से टकराते वक्त इसकी रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। जाहिर है इस बड़े खतरे से निपटने के लिए सारा तंत्र तैयारी में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। गांधीनगर समेत कई जगहों में एनडीआरएफ की टीमें या तो तैनात है या अलर्ट है। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ऑल द 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन सौराष्ट्र व्हिच आर लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द साइक्लोन, स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल्स टू मैन पावर, एंड स्पेशली arrangements have been made for COVID hospitals. Dual power supply arrangements have been done. अमरेली में संभावित तूफान को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट पर है। पोरबंदर में ताऊ ते के खतरे को देखते हुए भारतीय कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली में भारतीय वायुयान ने 16 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की मदद ली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चक्रवाती तूफान ताऊ ते को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमों से